मानव का जो मस्तक है वो भी एक डिजिटल जरा है, एक जगत है, उसके बीच जो वायरस है, एक तो पहले ही साढ़े अंदर में जो आम को जो अंतराल उसको इलावा जो समाज के कुरीतियां रह जाती, फिर एक आधे जो गलत गाइडलाइन आ जाती है वो भी साढ़े अंदर घर कर उन्होंने असि एक्सेप्ट ना कर लेंगे, लेकिन डिलीट मारना नहीं, ये डिलीट किता हो इस गल का मैं सब तो वड्डा एग्जाम ਹੈਲੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। इसमें लाखों हजारों यूथ, मेरी बहनें, आदमियां जुड़ी हुई, धर्म का प्रचार तो है जो मेरी सबसे बड़ी जो सुनने की मेरी रास्ता है, सबसे बड़े प्रथम रास्ता हर गांव में, पूरे हिंदुस्तान में, देश में, जब हमारी सारी बहने भगत सिंह के वो गीत सुनाते हैं, भारत माता की आजादी की बात सुनाते हैं, देश भक्ति की बात सुनाते हैं, उसके ऊपर गीत गाते हैं, तो उसमें हमारे युवक को प्रेरणा मिलती है, हमारा देश आजाद कैसे हुआ और आजादी की रक्षा कैसे करती है। इसलिए आज महाराज जी के चरणों में हाजिरी भरता हूँ और उनके यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान है, आपका है, आगे बढ़े, युवक को इतना ही प्रेरणा। Thank you.